हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। गाइस, इस इट्सी की वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें हम सीखेंगे कैसे इट्सी ऑप्शंस देता है आपके इट्सी स्टोर को प्रमोट करने का। जी हाँ गाइस, इस फीचर की तरफ मोस्टली 99% लोग ध्यान नहीं देते हैं, एंड आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे किस तरीके से आप इट्सी के इनबिल्ट फीचर से अपने स्टोर को प्रमोट कर सकते हैं। सो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं मेरे इट्सी के स्टोर पे हूँ, और इट्सी के स्टोर के बाद आपको सिंपल आप डैशबोर्ड पे रहेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटीग्रेशंस का। इंटीग्रेशंस पे आपको क्लिक कर देना है, देन आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे डायरेक्टली। यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है टूल्स दैट हेल्प्स यू रन मार्केट एंड ऑप्टिमाइज एनहेंस योर बिजनेस। गॉट इट? यहाँ पे इट्सी ने इनबिल्ट इंटीग्रेशन के ऑप्शंस दिए हैं जिससे आप अपने स्टोर को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने स्टोर को प्रमोट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट एंड प्रमोट योर शॉप, पिंटरेस्ट, आउटिफाई, मेलफोल्ड, क्लाउडफायर, एडवेबल, ये सारे टूल्स हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह करने के लिए। जैसे फेसबुक होता है उसी तरीके से पिंटरेस्ट है, ये एक इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर आप कनेक्ट कर लेते हैं तो डायरेक्टली आप इट्सी स्टोर से अपने प्रोडक्ट को इट्सी पे शेयर कर सकते हैं, एंड ये सब और भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड वन जो मैं बताने वाला हूँ, ये वेबर, ये ईमेल मार्केटिंग का टूल है। यहाँ पे होगा क्या, जो भी आपके कस्टमर्स होंगे आपके इट्सी स्टोर से प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको उनकी ईमेल आईडी चाहिए मार्केटिंग के लिए या फिर आगे प्रमोशन करने के लिए, तो आप एवेबर से कनेक्ट करके डायरेक्टली जो भी आपके कस्टमर्स होंगे वो डायरेक्टली स्टोर हो जाएंगे आपके एवेबर ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर। इसी तरीके से अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट हैं, आप पिंटरेस्ट को जरूर से कनेक्ट कर लीजिए। एवेबर अगर आप ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं तो इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट चलते हैं इट्सी एसईओ। ये इट्सी की एक लाइक थर्ड पार्टी कंपनी है जो इट्सी के एसईओ करती है, उसमें कीवर्ड्स वगैरह बताती है, तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ई रैंक भी इसी तरीके से टूल है, जिन पे फ्री लिखा हुआ है वो फ्री टूल्स हैं और जिन पे कुछ नहीं लिखा हुआ वो पेड टूल्स हैं। सो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इंटरनेट पे कौन से आपको टूल्स यूज करने चाहिए। ई रैंक फ्री टूल है तो डेफिनेटली आप ई रैंक पे अकाउंट क्रिएट करके एंड आपको कनेक्ट करने के लिए सिंपल इस पे क्लिक कर देना, और जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पे देखो लिखा हुआ रहेगा ई रैंक किस तरीके से काम करता है, लर्न मोर एट ई रैंक। आप यहाँ पे क्लिक करके ई रैंक पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। कॉन्टेंट ई रैंक ये सारी चीजें काम करता है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को लाइक मैनेज कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं। ये ई रैंक से आप कनेक्ट करेंगे इट्सी स्टोर को तो डेफिनेटली वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा, और जो चीजें आपके कनेक्टेड है वो आपको मैनेज में दिखेगी, वहां से कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं। मैंने ई रैंक का बता दिया, ई रैंक की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो गया। इसी तरीके से ये फोटो एडिटिंग टूल है, जो भी टूल में आप कनेक्ट करना चाहते हैं वो इजीली कनेक्ट कर पाएंगे और उनका एक्सेस डायरेक्टली इट्सी स्टोर का वो कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप इट्सी स्टोर के लिए कीवर्ड ढूंढना चाहते हैं तो आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, और इट्सी ई रैंक उसमें आपकी हेल्प करेगा। सो गाइस, मेरा मानना यह है कि जितने भी फ्री टूल्स हैं आप उनको कनेक्ट कर लीजिए उनपे अकाउंट क्रिएट करके। ये देखिए यहाँ पे फ्री में भी ये प्लान है इनके, फ्री में भी वो कुछ कीवर्ड्स वगैरह दे रहे होंगे ढूंढने के लिए। ये देखिए फ्री प्लान के अंदर जो जो चीजें बता रहे हैं उनको यूज करके आप अपने स्टोर को आगे बढ़ाइए, एंड आपको जैसे अकाउंटिंग का, बिलिंग वगैरह का होगा, इनवॉइस का होगा, उसके लिए भी क्विक बुक्स है, ये टूल्स हैं जिनको आप कनेक्ट कर सकते हैं और कस्टमर को इंडिविजुअली भी मेल पे इनवॉइस भेज सकते हैं। जी हाँ गाइस, एंड ये और भी अदर टूल्स हैं। सो गाइस, मोस्टली लोगों को मैंने देखा है ये टूल्स को यूज नहीं करते, बट मैं जो मेरे फेवरेट टूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पिंटरेस्ट को कनेक्ट कर लेना चाहिए, और ईमेल मार्केटिंग के लिए एवेबर अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली इसको भी कनेक्ट कर लेना चाहिए। इससे होगा क्या, जितने भी बायर्स होंगे उनका ईमेल का डेटा आपके पास स्टोर रहेगा और आप आगे उस डेटा को ईमेल मार्केटिंग के अंदर यूज कर पाएंगे। सो गाइस, और कोई अगर आपको इट्सी स्टोर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आने वाले टाइम में हम फनल और ऑनलाइन डिजिटल असेट्स कैसे क्रिएट करते हैं उन पे भी बात करने वाले हैं। धीरे धीरे डिजिटल असेट्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं जो आप लोगों के लिए पैसिव इनकम जनरेट करेंगे और एक आपको स्टेबिलिटी लाएंगे एक ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। सो गाइस,
अगर आपको इट्सी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में हमारा इट्सी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।